नमस्कार, कुक विथ वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन रेसिपी। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम का गिट्स पैक। इसे बनाने से पहले हम इसका चाशनी तैयार कर लेंगे। एक बर्तन में हम 2 गिलास शक्कर लेंगे। और इसमें हम पानी 2.5 गिलास डालेंगे। हमने 2.5 गिलास पानी डाल दिया है। इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए चाशनी तैयार करेंगे। चलाते हुए इसे शक्कर को, ये देखिए अभी हमारा शक्कर पानी में मिक्स नहीं हुआ है। मिक्स हो चुका है हमारा शक्कर। हाई फ्लेम पे इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। हमारे चाशनी में बुलबुले उठने लगे हैं। इसमें हम अब 2 इलायची डाल देंगे। ये हमारा चाशनी तैयार हो चुका है। अब हम गिट्स पाउडर को थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते हुए गूंथ लेंगे। एक बार से ज्यादा दूध नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे नरम गूंथेंगे। दूध ना हो तो पानी से भी आप गूंथ सकते हैं। गिट्स पाउडर को अच्छे से गूंथेंगे। इसे हथेलियों से दबाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से गूंथने से हमारा गुलाब जामुन अच्छे से फूलेगा। ये देखिए हमारा पाउडर अच्छे से गूंथ चुका है। इसे नरम गूंथेंगे। अब एक छोटा सा टुकड़ा लेकर दोनों हथेलियों के बीच दबाते हुए गोल बना लेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे गुलाब जामुन में दरार नहीं होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। देखिए बिना दरारे का। दोनों हथेलियों से दबाते हुए गोल बना लेंगे। गुलाब जामुनों में दरार नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार सारे मैटर को तैयार कर लेंगे। ये हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। इसे चेक करते हैं हमारा तेल गरम हुआ है कि नहीं। ये देखिए हमारा तेल गरम हो चुका है। इसमें हम गुलाब जामुनों को डालेंगे। गुलाब जामुन हमें लो फ्लेम पे ही तलना है, नहीं तो हमारा गुलाब जामुन ऊपर से जल जाएगा।
से पलटते हुए फ्राई कर लेना है। ये देखिए हमारा गुलाब जामुन हल्का ब्राउन हुआ है, इसे हमें गहरा ब्राउन करना है। हमारा गुलाब जामुन फ्राई हो चुका है, बिल्कुल डार्क ब्राउन हो चुका है, इसे हम अब निकाल लेंगे। एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे और इसे गरम गरम चाशनी में डाल देंगे। इसे हम आधे घंटे तक चाशनी में रहने देंगे, उसके बाद इसे बाहर निकालेंगे। ये देखिए हमारा गुलाब जामुन तैयार हो चुका है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें।